रही है। 1946-47 एक्ट के कारण से ये जो एक्ट है उनको परमानेंट नहीं करता, बल्कि वॉलेंटियर के रूप में काम करने के लिए ये लोग मजबूर हैं। आज भी वो लोग पक्के नहीं हुए हैं, उनको किस तरीके से पक्का किया जाए। 1946-47 एक्ट में संशोधन करने के लिए हमने भारत सरकार को लगभग देश के 9 लाख होमगार्ड रिटायर्ड और वर्किंग हैं उन सबके द्वारा हमने करीब 5 लाख पत्र भिजवाए भारत सरकार को, ताकि ये 1946-47 एक्ट जो है इसमें संशोधन हो सके और जो होमगार्ड हैं उनको इंश्योरेंस मिले, ग्रेचुटी मिले, और जो काम करने के लिए जो उनके घंटे जो नियुक्त हैं उनमें भी जो हर वक्त उनको भयग्रस्त रहते हैं कि कब किसको हटा दिया जाएगा, कब किसको नहीं हटाया जाएगा, इन सब चीज़ों से उनको निजात मिले और वो परमानेंट हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ के लिए आश्वस्त हैं। और साथ ही साथ आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी हैं वो दुर्भाग्य से या यूँ समझ लो कि आप लोग पिछले 15 साल में इस सिस्टम में आए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी को श्रमिक का दर्जा मिले, वो भी श्रमिक कानून के अंतर्गत उनको भी उसका लाभ मिले, क्योंकि प्रिंट मीडिया जो है उसको तो श्रमिक एक्ट के अंतर्गत आप प्रिंट मीडिया तो आता है मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आता है। उसकी मांग मैंने उठाई और मुझे लगता है कि मेरे पास इसका जवाब भी आया सरकार की तरफ से, ये विषय कैबिनेट में रखा गया है। बहुत जल्द ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधु जो हैं उनको भी श्रमिक एक्ट का दायरे में आने का लाभ मिल पाएगा। सर एक फोटो बस माइक लगा। Thank you.